दोस्तों, मैं आपको ऋण प्रबंध के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा जो कि BSCAG में जो एग्रीकल्चर फाइनेंस सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये कभी सी पूछ लेता है, कभी बी पूछ लेता है, कभी आर पूछ लेता है, कभी दोनों पूछ लेते हैं, कभी तीनों पूछ लेते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है इसमें ऋण प्रबंध के आर सिद्धांत, आर प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है प्रतिफल, रिटर्न। संस्था कैंडिडेट को लोन प्रोवाइड करने से पहले यह देखती है कि कैंडिडेट किस कार्य के लिए लोन ले रहा है। संस्था जब ये देख लेती है कि जिस कार्य के लिए कैंडिडेट लोन ले रहा है उससे रिटर्निंग अच्छा होगा, उससे प्रोडक्शन होगा, उससे फ़ायदा होगा, तब तो संस्था उसको लोन देती है, अन्यथा लोन नहीं देती है। दूसरा पॉइंट है भुगतान क्षमता, रिपेमेंट कैपेसिटी। अब कोई कैंडिडेट संस्था से लोन ले रहा है तो अगर वो कैंडिडेट की सैलरी जो है अगर 20,000 रुपये पर मंथ है और वो कहता है कि मैं 30,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट करूँगा, तो संस्था लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। उसका कंडीशन रखेगी कि समथिंग इतने लाख रुपए तक हम आपको लोन दे सकते हैं और इतने साल तक के लिए दे सकते हैं, और अगर इतने 1,000 रुपए आपको पर मंथ देना पड़ेगा। फिक्स कर देगी पहले, जितनी उसकी भुगतान क्षमता होगी उसी के अकॉर्डिंग उसे लोन दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है जोखिम वहन करने की क्षमता, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। इसमें क्या है कि कैंडिडेट को जिसको संस्था लोन प्रोवाइड करी है तो वो देखेगी कि क्या कैंडिडेट के पास किसी कारण से उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, बंद हो गया, उसका जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया वो सब डूब गया, तो वो पैसा कहाँ से देगा। तो संस्था ये देखेगी कि अगर इसका पैसा डूब भी गया, बिजनेस फ्लॉप भी हो गया, तो इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसकी इतनी रिस्क बेयरिंग एबिलिटी है, जोखिम वहन करने की क्षमता है कि यह घर से या अपनी प्रॉपर्टी से लोन पूरा कर्ज चुका देगा। अगर संस्था को ऐसा लगता है तभी संस्था लोन प्रोवाइड करती है, अन्यथा संस्था लोन प्रोवाइड नहीं करती है। अब हम पढ़ते हैं सी प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। तो ऋण प्रबंध के सी सिद्धांत में पहला पॉइंट है करेक्टर, चरित्र। संस्था जब किसी कैंडिडेट को लोन प्रोवाइड करती है तब यह देखती है कि कैंडिडेट का चरित्र कैसा है। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी संस्था में जाए और बोल दे क्यों भैया लोन दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये बात करने का तरीका है। अगर उसका बात करने का तरीका ही सही नहीं है तो संस्था उसे लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, उसको 10 बार दौड़ाएगी। इसीलिए और संस्था लोन प्रोवाइड करने से पहले ये भी देखेगी कि उसका चरित्र कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ कई लोगों से, आसपास के क्षेत्र में कई लोगों से पैसे उधार ले रखा हो, पहले से उसकी वैल्यू गिरी हुई हो, तो वही है उसका चरित्र देखने के बाद संस्था उसको लोन प्रोवाइड करेगी। दूसरा पॉइंट कैपेसिटी, क्षमता। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो तीनों में मिलते जुलते हैं, तीनों पॉइंटों में कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहेंगे, मतलब इनका जो अर्थ है सेम मिलता जुलता निकलेगा। अब इधर ये क्षमता देख लो और जो आर सिद्धांत थे उसकी भी जो रिपेमेंट कैपेसिटी थी उसका और ये वाला क्षमता जो कैपेसिटी है दोनों सेम मिलते जुलते हैं, मतलब कैंडिडेट की कितनी कैपेसिटी है, कितना उसको लोन प्रोवाइड किया जाए और वो कितना रिटर्निंग पर मंथ रिटर्न कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी देखते हुए संस्था उसको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है पूंजी, कैपिटल। कैंडिडेट जिसको संस्था लोन प्रोवाइड करती है तो कैंडिडेट की पूंजी देखती है कि उसके पास पूंजी कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी देखती है कि कहीं पैसा डूब गया तो क्या ये पैसा हमारा रिटर्न करेगा, कैसे करेगा। तो वही है, उसकी पूंजी देखने के बाद फिर संस्था लोन प्रोवाइड करती है, देख लेती है कि हाँ इसके पास इतनी पर्याप्त पूंजी है कि अगर किसी कारणवश इसका बिजनेस फ्लॉप हुआ
या पैसा डूब गया तो ये हमारा पेमेंट रिटर्न कर देगा। चौथा पॉइंट है कंडीशंस, शर्तें। इसमें संस्था कैंडिडेट के आगे कुछ कंडीशंस रखती हैं, जैसे कि अगर संस्था ने ये लिख दिया कि आपको जो है 5 तारीख को इतने 1000 रुपये पर मंथ जमा करना है, और अगर 5 तारीख के बाद 6वां तारीख हुआ तो 50 रुपये फाइन, 100 रुपये फाइन, 500 रुपये जो भी संस्था रूल बनाएगी, जो भी उसकी कंडीशंस रहेंगी, अगर उसको फॉलो करता है कैंडिडेट तभी संस्था लोन प्रोवाइड करेगी, अन्यथा लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। मतलब 5 तारीख से अगर 1 दिन ज़्यादा हुआ तो 50 रुपये, 2 दिन ज़्यादा हुआ तो 100 रुपये, 3 दिन ज़्यादा हुआ 150 रुपये, इसी प्रकार फिक्स कर देगी। तो और भी बहुत सारी शर्तें होंगी उसकी कि आपको 1 साल तक इतना पैसा रिटर्न करना है, दूसरे साल में आपका ब्याज इतना लगेगा, जो भी है अलग अलग। तो अगर कंडीशंस उसके फॉलो करती है कैंडिडेट तभी जो है उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि कॉमन सेंस, मतलब कैंडिडेट के अंदर सही समझ हो। ऐसा नहीं किसी ऐसे कैंडिडेट को पहुंचा दिया बैंक में जिसको किसी चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, बात करने का तरीका भी नहीं है और जाके बैंक में बैठ गया। तो कम से कम जो कैंडिडेट लोन लेने जा रहा है तो उसको देखेंगे, वहाँ बात करेंगे, उससे ही काफ़ी उनको अनुभव हो जाता है कि कैंडिडेट की व्यवहारिक बुद्धि कितनी है, मतलब कितना कॉमन सेंस है इसके अंदर और कैसा इसका चरित्र है। और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद ही संस्था उसको लोन प्रोवाइड करती है। तो सी प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट अपना ख़त्म हुआ, अब हम आते हैं पी प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट पे। तो ऋण प्रबंध के पी सिद्धांत, पहला पॉइंट पर्पस, उद्देश्य। संस्था यह देखती है कि किस उद्देश्य के लिए कैंडिडेट ने ऋण लिया है या ऋण लेना चाहता है। जैसे हम मध्य प्रदेश में देखो आप, कुटीर पास होती है, कुटीर पास होने से पहले वहाँ पे अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं जिस कैंडिडेट के नाम पे कुटीर पास होती है क्या उसी के नाम ज़मीन है या नहीं है, इतना एरिया है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास साइकिल रखने की जगह है, कार रखने की जगह नहीं है और पशुपालन करना सोच रहा है, तो क्या संस्था उसको लोन प्रोवाइड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके पास मटेरियल भी तो होना चाहिए, उसके पास व्यवस्थाएं भी तो होनी चाहिए। तो अगर उसका उद्देश्य संस्था को सही लगता है तभी संस्था उसको लोन प्रोवाइड करेगी, अन्यथा लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति, पर्सन। तो व्यक्ति का चरित्र देखकर, व्यक्ति का बैंक का डाटा देखकर, मतलब बैंक का स्टेटमेंट देखकर कि उसके पर मंथ कितनी सैलरी आती है, कितना इनकम है, कितना लगभग इधर उधर होता है, जो भी है, सारी चीज़ें देखने के बाद और व्यक्ति का व्यवहार देखने के बाद, बात करने का तरीका देखने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद तभी संस्था लोन प्रोवाइड करती है, जब संतुष्ट हो जाती है कैंडिडेट से तब। और अगर संतुष्ट नहीं होती संस्था तो फिर उसके बाद उसको लोन प्रोवाइड नहीं करती। तीसरा पॉइंट है उत्पादकता योजना, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग। इसमें संस्था ये देखती है कि जो प्रोडक्टिविटी प्लानिंग है, उत्पादकता योजना है, क्या वह सही है या नहीं। अब अगर कोई कैंडिडेट रेगिस्तान का है और रेगिस्तान वाला जाके बोल दे कि मुझे जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए, तो क्या रेगिस्तान वालों को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन प्रोवाइड होगा? नहीं होगा। जिसके पास साइकिल रखने की जगह नहीं है और वो पशुपालन के लिए लोन प्रोवाइड करना चाहता है, लोन लेना चाहता है, क्यों मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसकी योजना है वो उस एरिए के लिए सूटेबल नहीं है या उसके पास पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए उसको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट।
किस्त का भुगतान। तो किस्त का भुगतान संस्था यह देखती है, जैसा पहले भी बताया मैंने आपको, कि उसकी भुगतान क्षमता कितनी है या कैपेसिटी कितनी है, रिपेमेंट कैपेसिटी या पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो सब सारी चीज़ें देख लेता है संस्था, जब सारी चीज़ें देख लेगी जब ही उसको कैंडिडेट को लोन प्रोवाइड करेगी, अन्यथा लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। अब किस्त का भुगतान में सिस्टम लग जाएगा, जो भी कंडीशंस थी, अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट काम करेगा तभी जो है उसको संस्था लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, संरक्षण प्रतिभूति। संस्था जो है सिक्योरिटी के तौर पर भी कुछ चीज़ें रख लेती है, जिससे कि कैंडिडेट धोखाधड़ी ना करे, तब उसको लोन प्रोवाइड करती है संरक्षण के तौर पे कुछ रखने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उचित उपयोग का सिद्धांत। जैसे मध्य प्रदेश में ही देखिए, कुटीर पास होता है, अधिकारी आते हैं चेक करते हैं कि क्या वाकई ही उसके नाम ज़मीन रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके बाद क्या वह पैसे का सही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी देखते हैं। मतलब आप डेयरी के लिए ले रहे हो पैसे, तो डेयरी दिखाना पड़ेगा आपको, बना के पशु दिखाने पड़ेंगे, सब दिखाना पड़ेगा अगर आप उधार पैसे ले रहे हो, लोन ले रहे हो तो। ठीक है, तो उचित उपयोग का सिद्धांत इसके अंतर्गत जो है अधिकारी वगैरह बार बार चेक करने आते रहते हैं कि जिस कार्य के लिए संस्था से लोन लिया गया है क्या वह कार्य हो रहा है या नहीं। लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फेज डिसबर्समेंट, चरणबद्ध संवितरण का सिद्धांत। मतलब कई किस्त करके लोन प्रोवाइड करना, संस्था जो है थोड़ा थोड़ा कर पैसा कैंडिडेट को प्रोवाइड करती है। जैसे कुटीर पास हुआ, जब उसकी नींव बन गई नीचे की, इन्नी या नींव बोलते हैं, नींव बन जाने पे कुछ पैसे कैंडिडेट को प्रोवाइड कर देती है संस्था। उसके बाद जब चारों तरफ की दीवारें बन जाती हैं मकान की, तब जो है कुछ पैसे और ट्रांसफ़र कर देती है संस्था, कुछ और प्रोवाइड कर देती है। फिर जब पूरा मकान कंप्लीट हो जाता है और वह संस्था को फ़ोटो वगैरह भेज देते हैं, दिखा देते हैं जो भी है, तब जाके पूरा पैसा कैंडिडेट को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।